चाहिए, जो कोर्स आउटलाइन आपको हमने दी है आपको वो कोर्स आउटलाइन कवर करनी चाहिए। हम हर हर टीचर को यही कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम हर टीचर को तो ये कहें, हर टीचर को तो हम ये कहें, मेरी बात सुने, हम हर टीचर को तो ये कहें, अगर हम हर टीचर को तो ये कहें कि आपको कोर्स आउटलाइन कवर करनी चाहिए और हम खुद कवर ना करें, तो ये हमारे कॉल ऑफ फेल में तजाद हो गया ना, ठीक इसी बात में, ठीक है। तो कोर्स आउटलाइन कवर करनी चाहिए। हम आप एक बात बताएं, हम कोई एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ रहे हैं, हम वही पढ़ रहे हैं जो टाइम है हमारा, हम उसी में पढ़ रहे हैं। कभी हम ये तो नहीं होता कि हमारी क्लास 1 o'clock तक है, अभी 12:18 हुए हैं, अगर मैं 1 o'clock से बाहर जाता हूँ, आगे जाता हूँ, 1 o'clock से आगे जाता हूँ, फिर आप कहेंगे भी हम ज्यादा पढ़ रहे हैं। अभी तो जो हम जो मेरे चैनल के ऊपर जहाँ तक हम है वो इससे भी आगे है, ठीक है। चलें, तो हम पढ़ रहे थे, हमने यहाँ पर खत्म किया था कि पोजीशन, थोड़ी सी ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आए हम सब फ्रेश हो गए। तो पोजीशन ऑफ Q1 0.25 टाइम्स n प्लस 1, ठीक है, 0.25 टाइम्स n प्लस 1, और पोजीशन ऑफ Q3 क्या होगा फिर, 0.75 टाइम्स n प्लस 1, Q3rd क्वार्टाइल है। तो अगर फिर गिवन डेटा हो, मैंने यहाँ पर एग्जांपल एक सॉल्व की हुई है फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड और फिफ्थ क्वार्टाइल के लिए, सॉरी फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के लिए मैंने एक एग्जांपल सॉल्व किया, लेकिन मैं कहता हूँ जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं इसी के साथ चल पड़ते हैं, क्या ख्याल है, जिसके ऊपर हमने मीडियन कंप्यूट किया है वही एग्जांपल ले चलते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है ना, यही एग्जांपल ले चलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 10 दे दो, ठीक है बेटे, थैंक यू, 1, 3, 5, 7, 9, 10 यही वाली एग्जांपल इसी के साथ चल पड़ते हैं। तो अगर यही डेटा सेट हो x 1, 3, 5, 7, 9 और 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका n कितना हो गया जी, 6, तो इंटरेस्टिंग है, n हो गया 6, 6 plus 1, 7, 7 टाइम्स 0.25 मतलब 7 डिवाइड बाय 4, 4 ones are 4, 30, 4 sevens are 28, 2 4 fives are 20, 1.75, इसका फर्स्ट क्वार्टाइल बन गया कि पोजीशन बन गई 1.75 पोजीशन क्या होगी, पोजीशंस ऊपर ब्लू मार्कर से लिख दूं, पोजीशंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जनाब 1.75 पोजीशन क्या हुई, 1.5 तो हमने देखी थी मीडियन के केस में, हमने पढ़ी थी 1.5, 3.5 पोजीशन पढ़ी थी, 3.5 का मतलब है 3 और 4 का मिडिल, मिडिल 3 और 4 का मिडिल, अगर ये होता 1.5 तो ये 1 और 2 का मिडिल होता, ये 1.75, इसका क्या मतलब है कि ये मोर टुवर्ड्स 2 है, मोर टुवर्ड्स सेकंड है, मोर टुवर्ड्स सेकंड एंट्री है, कितना 75% उस तरफ है, 25% इस तरफ है, तो इसे कैसे कंप्यूट करते हैं, इसे कंप्यूट करने के लिए ये तरीका, आसान तरीका ये है कि x ऑफ 1 प्लस 0.75 टाइम्स x ऑफ 2 माइनस x ऑफ 1, x ऑफ 1 है 1 प्लस 0.75 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू, 3 माइनस 1, तो ये हो गया जनाब 1 plus 0.75 of 2, 0.75 होता है 3/4, 2 2s are 4 हो गया 3/2, 1.5, 1 plus 1.5 हो गया 2.5, ये तरीका है 0.75 कंप्यूट करने का, है ना, ये एक नई चीज सीख ली हमने, पहले तो हमने मिडिल कंप्यूट करना सीखा था, हमने ये वो कंप्यूट करना सीखा है जो मोर टुवर्ड्स 2 है, मोर टुवर्ड्स 2, 0.75 टुवर्ड्स 2, ठीक है, तो ये अच्छा हो गया, ये हमने एक चीज सीख ली है। और बिल्कुल इसी तरह से हम फिर क्या कर सकते हैं, क्या कंप्यूट कर सकते हैं, Q3, पहले हम उसकी पोजीशन कंप्यूट करते हैं, पोजीशन ऑफ Q3 इज
क्योंकि वो थर्ड क्वार्टाइल है, तो पोजीशन क्या हुई 0.75 टाइम्स एन प्लस 1, 0.25 नहीं बल्कि 0.75, यहाँ पर 0.25, ये बात आपने याद रखनी है। क्वार्टाइल 1 के लिए, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए पोजीशन है 0.25 टाइम्स एन प्लस 1, थर्ड क्वार्टाइल के लिए 0.75 टाइम्स एन प्लस 1, तो ये हो गया 0.75 टाइम्स एन प्लस 1, एन प्लस 1 6 है, 6 प्लस 1 7, और 0.75 होता है 3/4 टाइम्स 7, 7 3s आर 21 डिवाइडेड बाय 4, 4 5s आर 20, 10 रह गया, 4 4 2s आर 8, फिर 2 रह गया, 4 2s आर 10, 5.25, तो पोजीशन हो गई जी 5.25, बिटवीन 5 एंड 6, लेकिन मोर टुवर्ड्स 5, 5 की तरफ ज्यादा है, मोर टुवर्ड्स 5, तो क्यू 3 कैसे कंप्यूट करेंगे, क्यू 3 होगा x ऑफ 5 प्लस 0.25 टाइम्स x ऑफ 0.25 टाइम्स x ऑफ 6 माइनस x ऑफ 5, ठीक है जी, x ऑफ 5 है हमारे पास 9 प्लस 0.25 टाइम्स द लास्ट 10 माइनस द सेकेंड लास्ट 9 1 टाइम्स 0.25 इज 0.25, तो दिस इज 9.25, Q3 इज 9.25, ये 3 हो गया ना, ये हमने नई बात सीख ली, मीडियन के लिए हमने मिडिल कंप्यूट करना सीखा है, अब हमने ये सीखा है कि 0.25 यानी मोर टुवर्ड्स द लोअर एंड या मोर टुवर्ड्स द अपर साइड 0.75 बिटवीन 1 एंड 2, लेकिन मोर टुवर्ड्स 2, 5.25 बिटवीन 5 एंड 6, लेकिन मोर टुवर्ड्स 5, ये हमने सीख लिया जी ना। क्या समझाने ये वाला, Q3 की पोजीशन फाइंड किया, पहले हमने Q3 नहीं फाइंड किया, Q3 तो ये नंबर होगा जो मैंने ब्लैक से लिखे हुए हैं, पहले हमने पोजीशन फाइंड किया जो ऊपर मैंने ब्लू से लिखे हुए हैं, पहले पोजीशन फाइंड करते हैं, मीडियन के केस में ही पहले पोजीशन फाइंड करते हैं और फिर मीडियन फाइंड करते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह के हैं, उसी के बहन भाई हैं, ये Q1 और Q3 उसी के बहन भाई हैं, मीडियन ही के बहन भाई हैं, ठीक है, तो इनको भी ऐसे पहले पोजीशन फाइंड करते हैं फिर एक्चुअल नंबर फाइंड करते हैं, ये पोजीशन फाइंड किया, ये नंबर फाइंड किया, एक दूसरे मीडियन में भी ऐसे ही करते हैं, पहले पोजीशन फाइंड करते हैं फिर मीडियन फाइंड करते हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि इन्हीं दोनों का डिफरेंस है, दोनों क्वार्टाइल्स को अगर माइनस कर दें, Q3 में से Q1 सबट्रैक्ट कर दें, उसको बोलते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, बिटवीन क्वार्टाइल्स क्या रेंज है IQR, इसके किस केस में IQR कितना है कंप्यूट कर सकते हैं हम, -2.5 9.25 -2.57 हो गया, IQR 7 है, इंटर क्वार्टाइल रेंज केस में 7 है। इस सारे डेटा को यूज करके जिसमें मिनिमम मैक्सिमम Q1 मीडियन और Q3, इस सारे डेटा को यूज करके एक खास किस्म का प्लॉट बनाया जा सकता है जहां पर हम चैप्टर नंबर 2 एंड करेंगे और आज के लेक्चर भी वहीं एंड कर देंगे, उसका नाम है बॉक्स प्लॉट। इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके एक खास किस्म का प्लॉट बनाया जा सकता है, उसके लिए उस प्लॉट को बनाने के लिए कोई नई इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, वही इंफॉर्मेशन जो हमने अभी तक बनाना सीखी है उसको बोलते हैं 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी में ये 5 नंबर्स होते हैं, इनमें से 3 वो हैं जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, मीडियन Q1 Q3 और एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, इनको बोलते हैं 5 नंबर समरी। तो किसी भी गिवन सैंपल के लिए आप बड़ा क्विकली 5 नंबर समरी बना लेते हैं, किसी भी सैंपल के लिए अब 5 नंबर समरी बना लेते हैं,
और फिर जब फाइव नंबर समरी आप लिख लें, वो फाइव नंबर समरी क्या है मैंने नोट्स में लिखी हुई है, मिनिमम क्यू वन, मीडियन क्यू थ्री और मैक्सिमम, ये है फाइव नंबर समरी। अगर आप ये फाइव नंबर समरी बना लेते हैं किसी भी बॉक्स प्लॉट के लिए, किसी भी गिवन सैंपल के लिए, तो आप उसका बॉक्स प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। बॉक्स प्लॉट एक ऐसा प्लॉट होता है, ये आपने शायद कभी कोई रिपोर्ट देखी हो, प्रोफेशनल रिपोर्ट्स में ये अक्सर बने होते हैं। ये ऐसे करके एक बॉक्स होता है, एक रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल के दरमियान में भी एक वर्टिकल लाइन लगी होती है, ठीक है, एक रेक्टेंगल होती है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल होती है, और दरमियान में कहीं एक वर्टिकल बार लगी होती है, ठीक है। उसके बाद होती हैं इसकी दो लेग्स, इनको बोलते हैं विस्कर्स, एक लोअर विस्कर होता है, एक अपर विस्कर होता है, ठीक है। ऐसे करके एक प्लॉट होता है, ऐसे करके प्लॉट होता है। ये जो नंबर होता है ये किसी भी गिवन सैंपल का मिनिमम नंबर होता है, ठीक है। ये जो इस बॉक्स का, हॉरिजॉन्टल बॉक्स या हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का जो लेफ्ट एंड है वो होता है क्यू वन, फर्स्ट क्वार्टाइल, और जो सेंटर में लाइन लगाई होती है ये क्या होती है, मीडियन स्मॉल एम, ये होता है क्यू थ्री, और ये होता है मैक्सिमम नंबर, ठीक है जी। ये लाइन यहां तक लगा देते हैं, सही है। उसके अलावा एक होते हैं एल एफ और यू एफ, मैंने ये नोट्स में बनाए हुए हैं, लोअर फेंस और अपर फेंस। जो लोअर फेंस होती है वो होती है क्यू वन माइनस ये, मैंने यहां पर भी लोअर फेंस के अंदर भी क्यू थ्री लिख दिया, क्यू थ्री नहीं है ये क्यू वन है। लोअर फेंस होती है इस क्यू वन से, क्यू वन से 1.5 IQR पीछे चले जाए, क्यू वन से लोअर फेंस होती है क्यू वन से 1.5 IQR पीछे चले जाए। और UF होती है, ये भी एक फेंस है, ये होती है Q3 से 1.5 टाइम्स IQR आगे चले जाए। तो अगर Q1 से 1.5 IQR पीछे जाएंगे तो ये फेंस यहाँ कहीं बनेगी, लोअर फेंस। और Q3 से अगर 1.5 टाइम्स IQR आगे जाएंगे तो ये फेंस ऐसे बनेगी, अपर फेंस। IQR मैंने बताया अभी, इंटरक्वार्टाइल रेंज। इन फेंस का क्या सिग्निफिकेंस है? ये बॉक्स प्लॉट की पांच पॉइंट्स से समझ आ गए थे, मिनिमम Q1 M Q3 मैक्स, है ना, ये तो हमें, ये सिंपल है, ये समझ आ रहे हैं हमें। ये UF और LF, LF और UF हमने क्यों ड्रॉ किए हैं? Q1 से 1.5 IQR पीछे जाके भी एक लाइन लगा दी है, और Q3 से 1.5 IQR आगे जाके भी एक वर्टिकल लाइन लगा दी है, ये हमने क्यों लगाए हैं? नहीं, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही एरडी है ये। अगर इस डेटा के अंदर कोई आउटलायर हुआ, अगर सैंपल के अंदर कोई आउटलायर हुआ लोअर साइड पे या अपर साइड पे, तो वो कहाँ होगा? हम उसको आउटलायर मानेंगे जो या तो LF से भी पीछे हुआ या UF से आगे हुआ, ठीक है, या UF से आगे हुआ या LF से भी पीछे हुआ, उसको हम आउटलायर मानेंगे। और एक और काम भी करेंगे, उसको हम इनके बाहर स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई हुआ तो हम उस पॉइंट को इस बॉक्स प्लॉट में इंक्लूड नहीं करते आउटलायर्स को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आउटलायर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन बॉक्स प्लॉट। अगर मैक्सिमम साइड पे एक ऐसा नंबर हुआ जो कि आउटलायर हुआ, Q3 प्लस 1.5 IQR से भी बाहर हुआ, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि उसको डेटा में से, सैंपल में से बाहर निकाल के यहाँ स्टैरिक बना देते हैं, उसकी जगह पर स्टैरिक बना देते हैं, रिमेनिंग डेटा का बॉक्स प्लॉट बनता है।
तो सबसे पहले हम पहले डेटा का के ऊपर ये पांच पॉइंट्स कंप्यूट करेंगे, उसके बाद हम यूएफ कंप्यूट करेंगे और एलएफ कंप्यूट करेंगे। अगर कोई डेटा पॉइंट ऐसा हुआ जो यूएफ से भी बड़ा हुआ या ऐसा डेटा पॉइंट हुआ जो एलएफ से भी छोटा हुआ तो वो आउटलायर होगा। नहीं नहीं आप देखिए ना, आपके पास फॉर एग्जाम्पल क्यू वन था 2, ठीक है, और आई क्यू आर था सपोज कर लें 7, माइनस में जरूरी नहीं है, हो सकता है माइनस में वो भी 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें 10.5 हो गया, 2 में से माइनस कर दें 2 माइनस 10.5 हो गया माइनस 8.5, तो ये हो गया माइनस 8.5, सही है। और इसका Q3 था फॉर एग्जांपल 9, सपोज कर ले 9 था, 9 में 10.5 ऐड कर दिया तो 19.5 हो गया, ये हो गया 19.5। अगर कोई डेटा पॉइंट 20 था या कोई डेटा पॉइंट माइनस 10 था तो वो आउटलायर होगा, इस साइड पे हो सकता है उस साइड पे भी हो सकता है। लेकिन पहले हम ये सब काम करने के बाद ये पांच चीज़ें हम कंप्यूट करेंगे, पहले हम बॉक्स प्लॉट नहीं बना देते। सबसे पहला स्टेप ये होता है बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए, इसके 2-3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने कंप्यूट करना है 5 नंबर समरी, गिवन योर डेटा आपने 5 नंबर समरी यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी। पहले बॉक्स प्लॉट नहीं बनाना, बॉक्स प्लॉट सबसे आखिरी स्टेप होगा। Q1 मीडियन, Q3 एंड मैक्स, ये स्टेप नंबर 1 है। प्लॉट नहीं अभी बनाना, ये कहाँ से कंप्यूट करेंगे? दिस सैंपल ऑफ मेजरमेंट, सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन होगा, वो 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, जो सैंपल आपको गिवन है उससे आपने ये चीज़ें कंप्यूट कर लेनी। आती है ना आपको, अभी सीखी हैं। मीडियन Q1 Q3 कंप्यूट करना आसान है, पहले पोजीशन कंप्यूट करते हैं तीनों के लिए, Q1 M और Q3 के लिए पहले पोजीशन कंप्यूट करते हैं फिर एक्चुअल वैल्यू कंप्यूट करते हैं, ठीक है जी। ये कर लिया आपने, उसके बाद आपने करना है सर नंबर 2 काम, आपने ये करना है आपने IQR कंप्यूट कर लेना। IQR होगा Q3 माइनस Q1, ठीक हो गया। उसके बाद आपने नंबर 3 पॉइंट पे आपने UF और LF कंप्यूट करने हैं, फेंसिस कंप्यूट करने हैं, UF एंड LF, अपर फेंस और लोअर फेंस, और एंड ड्रॉ कंप्यूट भी करने हैं और पेपर के ऊपर ड्रॉ भी कर देने हैं ऐसे करके। यानी सबसे पहले आपने ये काम किया, उसके बाद आपने ये काम किया, 5 नंबर समरी कंप्यूट की, IQR कंप्यूट किया, UF और LF कंप्यूट किया और पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दिया, ये LF है ये UF है, ठीक हो गया। नंबर 4 स्टेप ये है आइडेंटिफाई एनी आउटलायर। आउटलायर बाहर निकालना है, अगर कोई नंबर UF से बड़ा है या LF से छोटा है उसको डेटा में से बाहर निकाल के स्टेरिक से बना देना है, उसकी जगह पे स्टेरिक बना देना है, ठीक है। आइडेंटिफाई एनी आउटलायर एंड प्लॉट इट एज एस्टेरिक, तो पहले ये काम करना है और फिर रिमेनिंग डेटा के साथ काम करना है, ठीक है। आउटलायर लोअर साइड पे भी हो सकता है, अपर साइड पे भी हो सकता है, दोनों साइड पे हो जाता है, लोअर साइड पे भी हो सकता है अपर साइड, आपने दोनों को आइडेंटिफाई करना है, लोअर साइड पे भी अपर साइड पे भी अगर कोई मिलता है, जरूरी नहीं कि मिले, हर डेटा में नहीं होता, लेकिन अगर है तो आपने उसको अपने सैंपल में से बाहर निकाल देना है, यहां पर ड्रॉ कर देना है, यहां पर ड्रॉ कर देना है, जो भी उसकी पोजीशन बनती है वहां पर ड्रॉ कर देना है। अब आपके पास रह गया ऐसा डेटा रह गया जिसके पास जिसमें आउटलायर नहीं है, लेकिन अब आपके पास अगर आउटलायर आपने निकाल दिया तो अब आपका Q1 M और Q3 आपने चेंज नहीं करने। अब ये नहीं करना कि आप दोबारा स्टेप नंबर 1 पे चले जाएं और ये सारे दोबारा कंप्यूट करना शुरू कर दें क्योंकि आपने एक डेटा पॉइंट निकाल दिया है, ऐसा नहीं करना, ठीक है।
आपका क्यू वन है वो वही रहेगा, एम वही रहेगा, क्यू थ्री वही रहेगा। सिर्फ ये करना है कि आपका नया मीन या नया मैक्स आ जाएगा, सिर्फ नया मीन या नया मैक्स आ जाएगा। क्या होगा नया मीन? अगर आपने लोअर साइड पे आउटलायर निकाल दिया है तो उस आउटलायर को निकालने के बाद जो लोएस्ट नंबर होगा वो आपका नया मीन होगा, या अगर आपने आउटर साइड के ऊपर हायर साइड के ऊपर कोई आउटलायर निकाला है तो उसको निकालने के बाद फिर जो आप हाईएस्ट नंबर होगा वो आपका मैक्स होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर फाइव में आप ये करेंगे कि अपडेट योर क्यू, क्यूज को नहीं चेंज करना, एम को भी चेंज नहीं करना, सिर्फ आप मेन और मैक्स को अपडेट करना है अगर जरूरत है, अगर नहीं तो नहीं करना। अपडेट अपडेट योर मीन एंड मैक्स, और ब्रैकेट में है इफ रिक्वायर्ड। ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी आपको करना पड़े, अगर आउटलायर नहीं होगा तो आप ये स्टेप खा जाएंगे, फिर नहीं करना ये स्टेप। अगर आउटलायर नहीं हुआ फिर क्या जरूरत है अपडेट करने की, फिर तो वही है। अगर आउटर साइड पे हायर साइड पे, अगर हायर साइड पे आउटलायर हुआ तो मैक्स अपडेट हो जाएगा, मिन वही रहेगा। अगर लोअर साइड पे हुआ तो मिन अपडेट हो जाएगा, मैक्स वही रहेगा। अगर दोनों साइड पे हुआ तो दोनों अपडेट हो जाएंगे, और अगर हुआ ही ना आउटलायर तो फिर ये स्टेप ही खा जाना है, फिर ये स्टेप ही खा जाना है। और नंबर सिक्स है आपका लास्ट स्टेप, ड्रॉ मिन क्यू वन एम क्यू थ्री एंड मैक्स एज अ बॉक्स विद एज अ बॉक्स विद विस्कर्स, बॉक्स विद विस्कर्स बना देना है ना। बॉक्स विद विस्कर्स का क्या मतलब है? बॉक्स बना देना है जिसमें दो विस्कर्स भी होंगे। ये विस्कर क्या होगा? आपका अपडेटेड मैक्स होगा, ये आपका अपडेटेड मिन होगा, ये आपका क्यू वन होगा। ये सॉलिड लाइन होती है, ये आपका एम होगा और ये होगा क्यू थ्री। आपका बॉक्स प्लॉट तैयार है। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल, ताकि बॉक्स प्लॉट जो हमने पढ़ा है वो पक्का हो जाए। इसको पक्का करते हैं, पक्का करना जरूरी होता है ना, जो कुछ हम पढ़े, जो कुछ हम पढ़ते हैं वो पक्का कैसे होता है? जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो कैसे पक्का होता है? एग्जाम्पल से पक्का होता है, एग्जाम्पल से पक्का होता है। तो अब हम आज का आखिरी काम करने लगे हैं। आज का आखिरी काम ये है कि हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि हमारा बॉक्स प्लॉट पक्का हो जाए और हमें समझ आ जाए कि हमने आउटलायर्स को किस तरह निकालना है। स्टेप्स रहने देता हूँ, स्टेप्स नहीं रेस करता, और यहाँ पर डेटा लिख देता हूँ ताकि हम स्टेप्स को देख के फिर हम वन बाय वन ये काम कर सकें, वन बाय वन हम स्टेप्स एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये छोटी सी एग्जाम्पल है, मेरे नोट्स में भी है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, आपने बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा। ये कुछ नंबर्स हैं, 340, 300, 520, 343, 22, 92, 63, 30. सबसे पहला काम क्या करना होता है? सॉर्ट करना होता है। मैं सॉर्टेड लिख दूं, सॉर्टेड ही लिख देता हूं। 260, 290, 300, 320, 330, 340 दो दफा है, और 520। ठीक है जी, ये डेट है, हमने इसे सॉर्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसका नंबर वन काम करना है, क्या बोला? मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम क्यू वन एम क्यू थ्री मैक्स। तो मेन है इसका, नजर आ रहा है 260 है, 260 है। क्यू वन हमने वैसे ही कंप्यूट करना होगा, पहले इसकी पोजीशन कंप्यूट करनी होगी। पोजीशन ऑफ क्यू वन क्या होता है? पोजीशन ऑफ क्यू वन जीरो पॉइंट टू फाइव टाइम्स एन प्लस वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट प्लस वन, नाइन, नाइन डिवाइड बाय फोर
कितना बन गया 4 4 2 8 2.75 2.25 2.25 ठीक है जी 2.25 तो पोजीशन ऑफ Q1 होगी 2.25 पोजीशंस ब्लू पेन से बना दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है मतलब बिटवीन 2 एंड 3 लेकिन मोर टुवर्ड्स 2 तो Q1 क्या हो गया x ऑफ 2 प्लस 0.25 टाइम्स x ऑफ 3 माइनस x ऑफ 2 तो x ऑफ 2 है 290 प्लस 0.25 टाइम्स 300 माइनस 290 1.75 देखने तो लास्ट एग्जांपल में ये आंसर था 1.75 तो इसलिए हमने यहाँ पर 0.75 लिखा था यहाँ से लिया था जो कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे वो असल में ये होगा ये होता है बड़ा सा कि आपने पूछ लिया बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया 292.5 ये हो गया Q1 उसके बाद है Q3 तो Q3 कंप्यूट करने से पहले क्या करेंगे Q3 की पोजीशन ऑफ Q3 0.75 टाइम्स n प्लस 1 9 और ये हो गया 9 3s आर 27 डिवाइड बाय 4 और 4 7s आर 28 4 6s आर 24 30 हो गया 4 7s आर 28 और फिर 5 6.75 हो गया यही है 6.75 ठीक हो गया जी तो और Q3 क्या होगा फिर x ऑफ 6 प्लस 0.75 टाइम्स x ऑफ 7 माइनस x ऑफ 6 और इनको जब पुट करते हैं तो Q2 आ जाता है Q3 आ जाता है 6.75 नहीं Q3 आता है 340 उससे पहले मीडियन भी कंप्यूट कर सकते हैं मीडियन की पहले पोजीशन कंप्यूट करते हैं 0.5 टाइम्स n प्लस 1 और फिर मीडियन कंप्यूट कर लेते हैं तो मीडियन बन गया जनाब मीडियन बन जाता है इसके लिए कितना है रेजर ये नहीं रेस करना ये रेस कर सकते हैं मीडियन बन गया पहले पोजीशन ऑफ मीडियन और फिर मीडियन तो मीडियन आ जाता है मीडियन की पोजीशन है 4.5 तो मैंने मीडियन यहाँ कंप्यूट नहीं किया हुआ 325 अच्छा मैंने सिर्फ पोजीशन कंप्यूट की है मीडियन नहीं कंप्यूट किया ये आपका होमवर्क हो गया आप मीडियन कंप्यूट कर लें मैंने नोट्स में सिर्फ पोजीशन ऑफ मीडियन कंप्यूट की हुई है पोजीशन अपना मीडियन नहीं कंप्यूट किया 325 बनता है मीडियन ठीक हो गया और Q3 हो गया और मैक्स 520 है और मैक्स है 520 लो जनाब ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 ये हो गया स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 में क्या करना है IQRs कंप्यूट करने हैं IQR एक ही होता है Q3 माइनस Q1 तो IQR हमारा बनता है 47.5 उसके बाद स्टेप नंबर 3 है UNF LF कंप्यूट करने हैं UF होता है 1.Q3 प्लस 1.5 IQR और LF होता है Q1 माइनस 1.5 IQR ये इन बच्चियों को मना करें इनसे कोई शोर ना करें कोई चला जाए जरा उसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं मेहरबानी आप लोगों की आपको सवाब मिलेगा अपर फेंस है Q3 प्लस 1.5 IQR ये आती है हमारे पास 411.25 और
लोअर फेंस है क्यू वन माइनस 1.5 बाई क्यू आर, ये 221.25 है, ठीक हो गई। तो स्टेप नंबर 3 तक हो गया। स्टेप नंबर 4 है आइडेंटिफाई एनी आउटलायर। स्टेप नंबर 4 है आइडेंटिफाई एनी आउटलायर। ये स्टेप नंबर 3 यहां से यहां तक अरेज कर दूं, और ड्रॉ भी था इसमें, ड्रॉ भी कर देते हैं, उसमें लिखा होता ड्रॉ भी कर दें। तो अपर लोअर फेंस है 221, इसको बना देते हैं 200, और अपर फेंस है 411, और एक नंबर 520 भी है, तो इसको 600 बना देते हैं, 600, एक नंबर 520 भी है ना मैक्स, उसको भी तो प्लॉट करना है ना। तो और 400 इन दोनों के दरमियान का, इन दोनों का सेंटर क्या बन गया, 400, और इन दोनों का सेंटर बन गया 300, और इनका बन गया 500। चलो काफ़ी अच्छा हो गया। तो अब हमें, और ये 250 है, ये 350 है, ये 450 है, ये 550 है, काफ़ी अच्छा हो गया हमारे लिए। आखिर वाले बच्चे को समझ आ रही है। अब स्टेप नंबर 4 है आइडेंटिफाई एनी आउटलायर। आउटलायर कौन सा होगा जो अपर फेंस, पहले अपर फेंस तो ड्रॉ करें ना, अभी स्टेप नंबर 3 कंप्लीट नहीं हुआ। अपर फेंस ड्रॉ कर दें, लोअर फेंस ड्रॉ कर दें। अपर फेंस है 411.25 पर, ये 450 है, तो 411.25 यहाँ कहीं बनेगा, यह आपकी अपर फेंस है। और लोअर फेंस है 221 पर, यह 250 है, तो 221 यहाँ होगा, ये होगी लोअर फेंस। अब आपके पास लोअर फेंस है, आपके पास अपर फेंस है। अब आप आ जाए स्टेप नंबर 4 पर, यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एनी आउटलायर्स। आउटलायर आइडेंटिफाई करें, आउटलायर कौन होगा, लोअर साइड पे भी करना है, अपर साइड पे भी करना है, कौन होगा, लोअर साइड पे है, कोई ऐसा डेटा पॉइंट बताएं, मेजरमेंट बताएं, जो लोअर फेंस से, एक मिनट, जो लोअर फेंस से नीचे हो या अपर फेंस से ऊपर हो। लोअर फेंस से नीचे तो कोई भी नहीं है, लोअर फेंस 221.25 है, हमारे पास जो लीस्ट डेटा पॉइंट है, जो मिनिमम 260 है, वो नीचे तो नहीं है, वो तो उससे ऊपर है, रेंज में है। लेकिन एक डेटा पॉइंट ऐसा है हायर साइड पे जो अपर फेंस से भी बड़ा है, 520, तो ये 520 ये क्या है, ये आउटलायर है, ये डेफिनेटली ये आउटलायर है, और इसको बनाना है स्टैरिक से, और स्टैरिक बना देना है हमने 520 के ऊपर, और इसको डेटा पॉइंट से निकाल देना है, और हमें क्या करना है, हमें अपडेट करना है अपना मीन एंड मैक्स, मीन एंड मैक्स एंड और मैक्स दोनों भी कर सकते हैं, या कोई एक, मिनिमम तो अपडेट नहीं होगा, मिनिमम तो वही रहेगा जो है, मैक्स अपडेट हो जाएगा। अब हमारा मैक्स क्या है, 340, मैक्स अपडेट होकर हो गया 340, समझ आ गई। अब है स्टेप नंबर 6, द लास्ट स्टेप, ड्रॉ मेन Q1, M, Q3 एंड Max as a box with whiskers, ठीक है जी, ड्रॉ कर दे। हैं? स्टेप नंबर कौन सा, स्टेप नंबर थ्री ये था कि आपने UF और LF कंप्यूट करने थे, given your Q1, Q3 एंड IQR, ठीक है जी। उसके बाद उसको प्लॉट करना था ग्राफ के ऊपर, UF और LF को पहले वर्टिकली दो डॉटेड लाइन से आपने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर दो वर्टिकल डॉटेड लाइन से आपने प्लॉट करने, उनकी पोजीशन एंड, पहले हमने स्केल बनाया, स्केल को हमने 200 से लेके 600 तक बना दिया। उसकी रीजन ये थी कि हमने यहाँ देख लिया था कि हमारे पास एक पॉइंट 520 भी है, तो हमें इसको 600 तक लेके जाना है। फिर हमने ये स्केल बना के LF के ऊपर ये लाइन लगा दी, UF के ऊपर ये लाइन, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 3 खत्म हो गया। स्टेप नंबर 4 था कि आइडेंटिफाई एनी आउटलायर, इफ एनी, जरूरी नहीं है कि हो, अगर है तो लोअर साइड पे भी अपर साइड पे भी। तो हमने देखा कि लोअर साइड पे कोई आउटलायर नहीं है, अच्छी बात है, नहीं है, हायर साइड पे एक है, हम उसको ड्रॉ करते हैं एंड प्लॉट इट एज एस्टेरिक, ठीक है। अगर हो तो क्या करते हैं, एस्टेरिक से
उसके पॉइंट उस पोजीशन पर आके प्लॉट करते हैं और डेटा क्या मिन एंड और मैक्स को अपडेट कर देते हैं अगर रिक्वायर्ड हो। अगर आउटलायर हुआ तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, किस स्टेप हम डिलीट कर देंगे, खा जाएंगे। लेकिन एक था तो मिन अपडेट नहीं हुआ, मैक्स अपडेट हो गया क्योंकि मैक्स में एक डेटा पॉइंट हमारे पास से निकल गया। अब हमारा मैक्स हो गया है 340, ये हमने मैक्स को अपडेट कर दिया। तो अब हमारे पास है ये मिन, ये Q1, ये मीडियन, ये Q3 और ये मैक्स। बना दें पॉक्स जल्दी से विद विस्कर्स। राइट विस्कर हो गई नहीं, इस केस राइट विस्कर हो गई नहीं क्योंकि जो Q3 है वही मैक्स है। अब देखिए ना, जो मैक्स है वही Q3। अगर मैक्स Q3 के इक्वल हो जाए तो फिर राइट विस्कर होगा ही नहीं। अगर मिनिमम Q1 के इक्वल हो जाए तो लेफ्ट विस्कर होगा ही नहीं। हर एक में नहीं होता, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि आप किस डेटा के साथ डील कर रहे हैं। तो इस केस में अपर विस्कर नहीं होगा, राइट विस्कर नहीं होगा क्योंकि जो Q3 है वही मैक्स है। तो Q1 मिले हमारे पास 260। तो पहले हम Q1 और Q3 के ऊपर लाइंस लगा लेते हैं, 292 और 340। ये हमारे पास है 292 और ये है 340। ठीक हो गया जी, ये क्या होगी 292.5, ये हो गया 340 जो कि है Q3 और ये है, ये रेस कर दो ना नीचे, जरूरत नहीं है इसे, हमने जो काम लेना था ले लिया। और ये Q1, उसके बाद मीडियन, मीडियन है 325, ये 3 है, ये 350 है, मैं तकरीबन 350 पे लाइन लगा दी है, 340 बनती थी, चलें खैर कोई बात नहीं। और मीडियन है 325 पर, ये 325 ऑलमोस्ट इन द मिडल। ठीक हो गया जी, और ये लाइन सॉलिड होती है, इसकी बॉक्स के अंदर सॉलिड, तीन सॉलिड लाइंस हैं। और लेफ्ट साइड के ऊपर एक विस्कर होगा जो आ रहा होगा मिनिमम वैल्यू तक, मिनिमम 260, ये 250 है तो ये 260, ये विस्कर होगा मिन के ऊपर जो कि है 260। और राइट साइड पे विस्कर नहीं होगा इस केस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बॉक्स प्लॉट में नहीं होगा, किसी में होगा भी, ठीक है, होगा भी। अगर आपका कब होगा, अगर आपका मैक्स और Q3 डिफरेंट है, आमतौर पर मैक्स ज़्यादा ही होता है, ये तो इतफाक की बात है कि इस केस में ये एग्जांपल इसलिए चूज की गई ताकि आपको ये बताया जा सके कि बॉक्स प्लॉट में ये भी पॉसिबल है कि लोअर विस्कर हो ही ना या अपर विस्कर हो ही ना। लोअर विस्कर नहीं होगा अगर मिनिमम वैल्यू Q1 के इक्वल है, और अपर विस्कर होगा ही नहीं अगर मैक्स वैल्यू Q3 के इक्वल है। हाँ, मेरी तरफ से लेक्चर खत्म है, क्वेश्चन है तो पूछ लें। और वाई नो राइट विस्कर, ये मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है और मैंने इसका जवाब भी दे दिया। चैप्टर नंबर 2 हमने ख़त्म कर दिया, अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।